हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पर्सपेक्टिव आपके सामने अब पेश करते हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून। एक बहुत ही जोरदार दिन की ऑल टाइम हाई, और उसके बाद वो मोमेंटम जारी रहा है। बताइए, इन हाईस पर क्या ट्रेड खरीद लेंगे? जी गुड आफ्टरनून सभी को। थोड़ा मुश्किल हो रहा है नए आइडियाज खोजना, बट आईटीसी मुझे लगता है एक डिसेंट करेक्शन देख चुका है। तो यहाँ से अगर बहुत कंजर्वेटिव नंबर्स भी आते हैं अगले साल, तो हमारा अनुमान है कि लगभग 20 रुपए के आसपास की अर्निंग कंपनी रिपोर्ट कर देगी। इसके अलावा एफएमसीजी बिजनेस में लगातार ट्रैक्शन है। कंपनी जैसे वहां प्रीमियमाइजेशन कर रही है, उसका फायदा है। होटल्स में उनका एक काफी अग्रेसिव कैपेक्स है, हालांकि वो आगे पीछे डीमर्ज हो जाएगा, बट उसका जैसे जैसे और डिटेल्स आती है वो है। बट विदाउट उसके भी वहाँ अग्रेसिव कैपेक्स प्लान है, तो उसका भी फायदा मिलना चाहिए। पेपर सेक्टर भी, पेपर और पेपर बोर्ड्स भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। तो हमारा ये मानना है कि प्रीमियमाइजेशन और आसपास की कंट्रीज में, छोटी मोटी कंट्रीज में जो एक्सपेंशन है, उससे लगभग कंपनी तीन स्टेट्स जैसा फर्दर कंट्रीब्यूशन ला सकती है। प्लस प्रीमियमाइजेशन है, काफी स्ट्रॉन्ग प्ले होना चाहिए। तो सिगरेट सेगमेंट स्टडी रहना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी में वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो अगले साल भी, इस साल भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं FY 25 में 10-15% जैसी ग्रोथ आ जानी चाहिए। तो 20 रुपए के आसपास की अर्निंग अभी लगभग स्टॉक 20 टाइम FY 25 की एक्सपेक्टेड नंबर्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 25-30 टाइम आसानी से मिलना चाहिए। तो 500 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से आईटीसी।